ही एक अनोखी बीमारी जो मानव इतिहास में अब तक इक्का दुक्का लोगों में ही देखने को मिली है, जिसकी शिकार मध्य प्रदेश के सतना में एक मासूम हुई है, जो बाहर से देखने पर तो आम बच्चों की तरह दिखाई देती है। डॉक्टरों की माने तो इसका शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है। दुनिया की इस अनोखी बीमारी का मरीज पहली बार अमेरिका में मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश के सतना में मिला है। यह बीमारी 2018 में पहली बार अमेरिका के ओरेगन राज्य में रहने वाले 12 वर्षीय बालक लायम को हो गई थी, जिसमें मांस खाने वाला एक कीड़ा उसके शरीर में घुस गया था। परिजनों ने इलाज करवाया पर बीमारी ठीक नहीं हुई थी। कीड़े ने पूरे शरीर को खाकर खत्म कर दिया था। आखिरी में 12 वर्षीय लायम की मौत हो गई थी। अब सतना के जवाहर नगर इलाके की रहने वाली 10 वर्षीय चाहत को यह बीमारी हुई है। चाहत के शरीर में मांस खाने वाला कीड़ा घुसा है और उसने चाहत के दिमाग का पूरा मांस खा लिया है। नतीजन उसके दिमाग के अंदर मवाद बन गई है। चाहत के माता पिता बहुत गरीब हैं। रीवा भोपाल में दवाई कराने के बाद आर्थिक स्थिति से जूझते हुए अब वापस अपने घर लौट आए हैं। सतना शहर के जवाहर नगर इलाके में रहने वाली इस मासूम बच्ची के शरीर में मांस खाने वाला कीड़ा घुसा है। डॉक्टरों की माने तो यह कीड़ा बच्ची के दिमाग को पूरी तरह से खा चुका है, जिसकी वजह से अब खोखले दिमाग में मवाद भर चुकी है। समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण कीड़ा अब दिमाग से निकलकर बच्ची के पूरे शरीर को खा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस बच्ची के बाहर से भले ही वह सही सलामत नजर आ रही है, लेकिन भीतर से इसका शरीर पूरी तरह से खोखला हो चुका है। दरअसल जब इस गंभीर बीमारी से पीड़ित चाहत की दिन ब दिन हालत बिगड़ने लगी, तब बच्ची को लेकर परिजन संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा पहुंचे, जहां 5 डॉक्टरों की टीम ने बच्ची की पूरी बॉडी को स्कैन किया। डॉक्टर देखकर हैरान रह गए कि बच्ची के सिर का ऊपरी हिस्सा खाली है और उसमें मवाद भरा हुआ है। डॉक्टरों ने किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह देकर वापस लौटा दिया। इसके बाद परिजन भोपाल पहुंचे, जहां पहले हमीदिया फिर कमला नेहरू अस्पताल में बच्ची की जांच कराई। माता पिता ने मजदूरी करके जो पैसा जुटाया था वो भी खर्च हो चुका है। उनके पास बेटी का इलाज कराने के लिए लाखों रुपए नहीं है और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ उसे मिल पा रहा है। इसलिए खौफनाक बीमारी से पीड़ित बच्ची बिना इलाज के लाए अब भोपाल से वापस अपने किराए के मकान में सतना लौट आई है और यह उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद कोई उसकी मदद करे, ताकि उसी इस बीमारी से निजात मिल सके। चाहत 3 बहनों में सबसे बड़ी है, पर तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद चाहत अब घर पर किसी के द्वारा मदद मिलने की उम्मीद से टकटकी लगाए बैठी है। देखिए मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की है खास रिपोर्ट। हम अपनी बच्ची को रीवा ले गए थे, तो रीवा में डॉक्टरों ने इसका 5 डॉक्टरों ने मिलकर पूरा स्कैन किया, तो डॉक्टरों ने बताया कि इसके माइंड में पूरे शरीर में एक कीड़ा है जो इसके माइंड को खा चुका है, तो वहाँ से रिफ़र कर दिया। 5 साल की थी जब से हो रहा है।
कैसे पता चला आप लोग? ये खड़े खड़े गिर जाती है, खड़े खड़े कहीं भी गिरने लगी, ज्यादा ही गिरने लगी, अभी बीच में भी होश वोश होने लगी रही, एकदम बिल्कुल सुस्त पड़ जाती रही। तब हमने गौर किया कि पीछे सर इसका पका हुआ है। जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहती है इसका माइंड खत्म हो गया है। तो रिफर करके जब हम घर आए तो यहाँ से हमें भोपाल की खबर मिली कि भोपाल में डॉक्टर है, तो भोपाल लेके गए हमीदिया। फिर हमीदिया में दिखाने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि क्या कहते हैं इसकी MRI होगी। फिर हम कमला नेहरू बगल के हॉस्पिटल में वहीं ले गए तो इसका MRI हुआ। तो MRI होने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि इसका माइंड खत्म हो चुका है, आपने लाने में लेट कर दिया। तो वहां से भी हम आ गए, हमारे पास पैसे नहीं है, MRI में निकला है कि इसका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, तो हमारे पास पैसे नहीं, डॉक्टरों ने बोला बहुत खर्चा आएगा तो यहाँ से आप ले जाइए। तो हम घर ले आए हैं। अभी आप लोग क्या करते हो? हम मजदूरी करते हैं, बहुत गरीब इंसान हैं, इलाज कराने के हमारे पास पैसे नहीं है, ना आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, ना राशन कार्ड है हमारे पास, सरकार से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हम सरकार से मदद चाहते हैं कि हमारी बिटिया का इलाज अच्छी से अच्छी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।